हेलो फ्रेंड, मिथिकांचल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 56 और 57 के बारे में, यानी सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 56 एंड 57 के बारे में। जैसे कि हमारे धारा 56 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, यानी सेक्शन 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना, यानी सेक्शन 57 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू डिनाय मोर देन 24 आवर। इस दोनों धारा दोनों सेक्शन को हम अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये धारा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक सुनिए। मैं धारा 57 के दो इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि धारा 56 में कौन सी बातें बताई गई है। तो ये कहता है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में आधिकारिकता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भरसदक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। बहुत सिंपल में ये धारा है। धारा का कहने का मतलब, कोई पुलिस अधिकारी जो छोटे रैंक के होते हैं, जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर जो होते हैं, उनसे छोटे लेवल के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना अगर गिरफ्तार करते हैं, तो उसको अनावश्यक विलंब के थाने के जो भी मेन ऑफिसर होते हैं उनके आधिकारिकता में जो भी होंगे उनके समक्ष वो पेश करेगा। या एक बात और इसमें बताई गई है, अगर जो पुलिस अब इंचार्ज जो हैं, जो पुलिस स्टेशन के, अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अगर गिरफ्तार किया, तो अगर उसमें जमानत की प्रक्रिया हो रही होगी, यानी हमारे सीआरपीसी के ही सेक्शन 437 और 438 में जमानत के बारे में बताया गया, उसके अकॉर्डिंग अगर अपराध होगा तो वहीं से उस व्यक्ति को जमानत के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। अगर वो जमानत पे नहीं छूटने वाला होगा तो उस एरिया के जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उसके पास उस व्यक्ति को जल्द से जल्द उसके सामने हाजिर करेंगे या उसको किसी अन्य पुलिस के साथ उसको भेजेंगे। मुझे पूरा आशा है कि आप लोग धारा 56 को समझ गए होंगे। अगर आपको धारा 56 समझ में नहीं आई तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आता है धारा 57। धारा 57 जो कहता है, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के यानी सेक्शन 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान में मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए अनावश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं हो। ये थोड़ा मैं आप लोगों को ये सेक्शन बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ये लंबा होगा, इसलिए आप लोग इसको आराम से सुनिएगा। धारा 57 का कहने का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अगर गिरफ्तार करेंगे तो किसी भी अनावश्यक विलंब के उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे। अब थाने से और मजिस्ट्रेट के बीच में जो ले जाने की जो दूरी है, जो उसमें समय लगेगा, उसके अलावा उसको 24 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अब ये जो है धारा जो निकल के आता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में ये बातें बताई गई है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध उसको नहीं रखा जा सकता, उसको अपने कब्जे में नहीं रखा जा सकता। तो ये सेक्शन समझिए कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, सीआरपीसी में तो है ही, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन से उठ के हमारे सीआरपीसी में आए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है, सेक्शन 57 कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर उसको 24 घंटे से अगर ज्यादा रख लिए तो उसको फिर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या नहीं करना उसको कोई जरूरत ही नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटे अगर पुलिस अधिकारी ने अपने कब्जे में रख लिया है, यानी जो एक इसमें इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि थाने से लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो पेश करने की जो अवधि है, यानी जो भी टाइम पीरियड होगा, उसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। वो एक घंटा लगे, दो घंटा लगे, उसको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन
24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अधिकारी अपने थाने में उस व्यक्ति को बैठा कर रखा है। 25 घंटे हो गए, 26 घंटे हो गए, 27 घंटे हो गए, तो उसको फिर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। उसको कोई जमानत या कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको या किसी भी तरीके से लिखित नहीं ले सकते पुलिस अधिकारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सेक्शन में ये बातें बताई गई है। अब इसमें मैं दो जजमेंट बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये जो जजमेंट है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1985 का ये मैटर है। इस मैटर में क्या होता कि विधानसभा का एक सदस्य होते हैं, उनको जानबूझकर अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको ऐसा किया जाता है कि वो विधानसभा में जो सत्र बुलाई जाती है वो उसमें उपस्थित न, इस तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये मैटर उच्चतम न्यायालय में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहते हैं कि ये जो कार्य हुआ है, यानी जो विधानसभा के जो सदस्य को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक तरीके से संविधान का उल्लंघन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 को उल्लंघन किया गया है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य के यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जो है भीम सिंह जी, उनको 50,000 रुपये का प्रतिकर उनको क्षतिपूर्ति दी जाए। तो आप लोग इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को याद कर लीजिए या नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी काम आ सकता है या आपके किसी भी लॉ के काम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को अनावश्यक गिरफ्तार किया जाता है, 24 घंटे से ज़्यादा अगर उसको रखा जाता है, तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। अब इसके बाद एक केस और है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई बनाम किशोर सिंह, 2011 का मैटर है, यानी ये तत्काल मैटर है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पुलिस थाने के जो एसएचओ जो होते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करते। वो क्या करते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा बिता देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जानबूझ को उस व्यक्ति को 3 दिनों तक लॉकअप में रखा जाता है और उसको बहुत सारी यातनाएं, उसको परेशान किया जाता है। यानी धारा 57 जो कहता है कि व्यक्ति को 24 घंटे में आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पुलिस थाने के जो एसएचओ जो होते हैं वो उस व्यक्ति को 24 घंटे में पेश नहीं करते हैं और उसको 3 दिनों तक लॉकअप में रखते हैं और उसको बहुत सारी यातनाएं देते हैं, जिसकी वजह से जब ये केस उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचता है, तो इसमें जो संबंधित पुलिस अधिकारी होते हैं उनको सीआरपीसी के सेक्शन 342 के तहत उनके अधीन कार्रवाई करने का आदेश पारित करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपने अभी दो जजमेंट को जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि धारा 57 में बहुत काम आता है। पहला भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर 1985 और दूसरा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई बनाम किशोर सिंह 2011 का मैटर है। आप लोग इस दोनों जजमेंट को याद कर लीजिए या आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग को बहुत काम आने वाला है। तो आपने अभी जाना धारा 56 और धारा 57 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लीजिए, और जिन लोगों ने मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।